Welcome to Scope Science Class. मैं हूँ जर्निश राणा और आज का एक्टिव ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर. और अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो दे इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ लिविंग बॉडी. अब हम आ जाते हैं जी इनकी कॉम्पोजिशन पर. कॉम्पोजिशन, जैसे कि हमें पहले बताया था पिछले लेक्चर में कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं, तो एंजाइम भी एक प्रोटीन है तो ये भी अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है. ये बहुत ज्यादा नेचर इनकी जो है ना एंजाइम्स की वो स्पेसिफिक है. एक एंजाइम एक रिएक्शन के लिए यूज होता है या सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शंस के लिए. बहुत दफा ये ओवर आप दे कैन बी रीयूज्ड बट दे आर स्पेसिफिक इन नेचर, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर. अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं. इसके जी मेन आठ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो है, ये आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा कि ये ग्लोबुलर होता है. जो स्ट्रक्चर है वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं. दे इंक्रीज द, नंबर टू पे आता है, दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बींग यूज देमसेल्फ. और नंबर थ्री पे आता है कि ये जो नेचर जो एंड प्रोडक्ट होता है उसकी नेचर को इफेक्ट नहीं करते, ये खुद यूज नहीं होते. और ये नंबर फोर पे आता है कि इनकी क्वांटिटी बहुत कम इस्तेमाल होती है, ये नहीं कि ये बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं. उसके बाद आता है कि ये केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड होती है उसको इनहांस करते हैं और ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं. और लास्ट पर आता है कि इनकी नेचर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है. अब हम आ जाते हैं जी एंजाइम के मैकेनिज्म पर, हाउ एंजाइम्स वर्क. एंजाइम्स के बारे में जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, थ्री डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं. जो डायग्राम भी आ रही होगी आपकी स्क्रीन के ऊपर कि ये जो एंजाइम आप देख सकते हैं इसमें एक साइट है जिसको हम ऊपर एक्टिव साइट कहते हैं. इस जगह आकर उस रिएक्टर ने इसके साथ रिएक्ट करना है, वो भी अमाइनो एसिड्स पे कंसिस्ट होता है, उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं. वो आकर इस एक्टिव साइट पे अटैच होगा. इस एक्टिव साइट के दो पार्ट्स होते हैं जी, एक हम कहते हैं बाइंडिंग साइट और दूसरी होती है कैटालिटिक साइट. बाइंडिंग साइट में जो मॉलिक्यूल आएगा उसको रिकग्नाइज करना है कि ये ठीक मॉलिक्यूल आ रहा है, इसी के साथ रिएक्ट करना है, कहेंगे इनहिबिटर तो नहीं है. जब वो बाइंडिंग साइट के साथ अटैच हो जाता है फिर कैटालिटिक साइट एक्टिव होती है और वो रिएक्ट करती है. और जो आपका प्रोसेस होता है, ये जो मैकेनिज्म होता है ये परफॉर्म होता है और जो एंड प्रोडक्ट होता है वो आखिर पे निकल आता है और एंजाइम उसमें यूज नहीं होता. ये जो एक्टिव साइट है अगर इसमें अगर नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच हो, बाकी तो प्रोटीन का होता है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि नॉन प्रोटीन एक पार्ट भी अटैच होता है, हम उसको कोफैक्टर कहते हैं. दिस इज हाउ एंजाइम्स वर्क इन द ह्यूमन बॉडी और द लिविंग बॉडी. अब हम आ जाते हैं जी फैक्टर्स पे. वो कौन कौन से फैक्टर हैं, जैसे कि मैंने बहुत दफा इसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बताया और इंट्रोडक्शन में भी बताया कि एंजाइम्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं. अब हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम्स को इफेक्ट कर सकते हैं. बेसिकली चार ज्यादा फैक्टर जो इम्पोर्टेंट होते हैं. सबसे पहले एंजाइम की कंसेंट्रेशन आती है, सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन आती है, पीएच आती है और टेम्परेचर आता है. अगर हम एंजाइम की डेफिनेटली अगर हम एंजाइम जिन्होंने रिएक्ट करना है अगर हम उनकी कंसेंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे तो डेफिनेटली प्रोसेस बहुत तेजी से होगा, स्पीड होगा और ज्यादा तेजी से आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा. ऑन द अदर हैंड अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन हम कह सकते हैं कि जो एंजाइम की कंसेंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है किसी भी केमिकल एक्टिविटी के लिए. ऑन द अदर हैंड अगर हम अब देखते हैं दूसरे नंबर पर सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन. सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन वैसे तो देखें एक लिमिटेड हद तक है. अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और नंबर ऑफ एंजाइम्स उतने ही रहेंगे तो एंजाइम्स विल बी अनएबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन, क्योंकि सारी वो जो साइट्स हैं वो सबस्ट्रेट से कंज्यूम हो जाएंगी और जो मे और सबस्ट्रेट होगा भी तो वो उसके साथ बाइंड नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली वहां पर रिएक्शन नहीं हो सकेगा. और जहां तक बात रही टेम्परेचर की, टेम्परेचर जी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड होता है किसी भी एंजाइम की ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. लेकिन अगर इससे ज्यादा जो है वो एनवायरनमेंट का या टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है
वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा और एंजाइम जो है वुड बी अनएबल टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड फंक्शन ड्यू टू डीनेचुरेशन ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल। अब दूसरा चौथे नंबर पर आ जाता है पीएच। पीएच का भी वही हिसाब है जो टेम्परेचर के साथ है, एंजाइम्स जो हैं वो एक प्रॉपर पीएच पर, एक आइडियल ऑप्टिमम पीएच पर जी काम करते हैं, जैसे पेप्सिन के लिए होती है 2 पीएच होती है, तो उसके लिए भी एंजाइम जो हैं वो अपने एक स्पेसिफिक पीएच पर परफॉर्म करते हैं कि कौन से एरिया में वो परफॉर्म कर रहे हैं और उसके लिए कितनी जो है वो कंसंट्रेशन चाहिए, कितनी पीएच होनी चाहिए। तो ये था जी हमारा एंजाइम्स का टॉपिक। उम्मीद है आपको आपने इसके कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब किया होगा। अगर आपको ये कंसल्ट करना है तो आप इसको बेशक एफएससी की बुक से कंसल्ट करें। ये मैंने आज का टॉपिक वहीं से प्रिपेयर किया था। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो है अगले लेक्चर में हम फूड साइंसेस से स्टार्ट करेंगे और फूड साइंसेस में हम सबसे पहले विटामिन्स करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। टिल देन स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।